पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मतलब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मतलब किसी अनकही बात को समझने की ताकत। हमारे बीच बहुत से हाँकू रहते हैं, हाँकू समझते हैं, हाँ, जिसे हम लोग फेबू भी बोलते हैं। जैसे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अरे भाई, ये तो एक फैक्ट है जो हमेशा साथ में रहता है। तो हर कोई समझ सकता है जिसे, हर कोई बोल सकता है जैसे हमें लगता है कि नहीं, इसने हमारे बारे में कुछ बोला, ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी लगता है, इसने तो सही बोल दिया, मैं ऊपर से मुस्कुरा रहा हूँ अंदर से गम है। अरे ये फैक्ट है, ये सबके साथ है, पर ये एक ड्रामा भी साबित हो सकता है। ऐसे 8-10 लाइन बना लीजिए और किसी के सामने बोल लीजिए, लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, वो समझेगा अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञाता है। जैसे मैंने आपसे बोला, ओ आप सोचते बहुत हो। अरे भाई सब बहुत सोचते, आप जितना लोगों के लिए करते हो लोग आपके लिए बिल्कुल नहीं करते। अरे बिल्कुल फैक्ट है, ये सबके साथ है। आप जिससे भी बोल दो उसका यही कहना होगा कि हम लोगों के साथ बहुत करते हैं पर लोग मेरे साथ बिल्कुल कुछ भी नहीं करते। आप मेहनत बहुत करते हो उसका फल नहीं मिलता, आप जितना काम करते हो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं आता, आप जितना ज्यादा पढ़ते हो उस हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आते, आप लोगों को हर्ट नहीं करते लोग आपको हर्ट करते हो, आप मोम की तरह अंदर से मुलायम हो ऊपर से नारियल की तरह सख्त हो। और होता है इसका अपोजिट है, हम लोग नारियल की तरह अंदर से सख्त होते हैं, मोम की तरह ऊपर से दिखावा करते हैं कि नहीं, हम बहुत अच्छे। बस ऐसा ही 10-15 वाक्य बना लीजिए, लोग आपको क्या समझ लगेंगे, अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञाता है। पर ऐसा नहीं, इट इज नॉट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी का मतलब होता है किसी के हाव भाव को देखकर, किसी की आंखों को देखकर, किसी की बात करने के तरीके को देखकर हम अपनी बातों को उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे वो हमें ये समझता है कि नहीं, अगर हम इसके सामने अपनी बात को रख रहे हैं तो वो ज्यादा इफेक्टेड होती है। और इस विषय में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।